हेलो दोस्तों, मैं अफ़ल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अफ़ल अहमद रियल इस्टेट प्रोफेशनल पे। और एक बार फिर मैं आपको लेकर के आया हूं अपनी एक सोसाइटी पे जो कि आउटर रिंग रोड किसान पथ के पास अवेलेबल है, जहां पर कि आपको जो सोसाइटी मिल रही है ये गेटेड कॉलोनी पूरी मिल रही है। गेटेड कॉलोनी के साथ साथ यहाँ पर आपको कैमरा गार्ड और सिक्योरिटी भी मिल रही है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो 30 फीट की रोड मकान के सामने मिल रही है, मेन रोड आपको 40 फीट की मिल रही है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे ऑलरेडी फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी हैं और फैमिलीज़ यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं सोसाइटी को कवर करते हैं कि सोसाइटी में किस तरीके से यहाँ पे लोग रह रहे हैं और कहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या अवेलेबिलिटी है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो को और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मकान है ये आपका 1100 स्क्वायर फीट का ये मकान आ जाएगा। और इस साइड में भी आपका ये वेस्ट फेसिंग है, इसमें आपको एक 1100 स्क्वायर फीट का मकान मिल जाएगा जिसमें कि चुनाई का काम स्टार्ट हो रहा है। कुछ दिन के अंदर यहाँ पे स्लैब का काम स्टार्ट हो जाएगा और इस मकान के अंदर तो स्लैब ऑलरेडी पड़ चुकी है। तो यहाँ पर अगर आपको ये चाह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर आपको मकान चाहिए तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि ये मकान बीच में अभी ओपन है जो कि आप यहां पे इसको आप अवेलेबल है जिसको कि आप ले सकते हैं। बाकी सारे मकान यहां पे ऑलरेडी सब सोल्ड हो चुके हैं जिनकी जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी हैं। इस पैच में भी सारे मकान की रजिस्ट्री हो चुकी है, एक मकान इसके अंदर बचा हुआ है जिसको कि आप ले सकते हैं। तो मकान के सामने अगर आप देखेंगे तो ये 30 फिट की रोड पूरी डाली गई है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस सोसाइटी के अंदर कि जो रोड है ये पूरी 30 फिट की रोड डाली गई है। मकान की आप हाइट देखेंगे तो रोड से एक अच्छी एलिवेशन हाइट दिया गया हुआ है। तो कॉलम पिलर देखेंगे आप तो इसके अंदर 18 इंची के सारे पिलर दिए गए हैं और 16 mm की सारी सरिया का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन है वो भी आप साइट पे आकर के देख सकते हैं कि आपका जो मकान है तो अंदर से कितना मज़बूत है। फिनिशिंग तो आपने जो देखा या हम दिखाएंगे वो तो बहुत अच्छी है ही है, बट अंदर से मकान की क्या मज़बूती है, कितना स्ट्रांग है मकान की, इसके ऊपर भी आप 2 मंजिला मकान और आप बना सकें उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पर चीज़ें को करके दिया जाता है। RCC का फ्रेम स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको जिसमें कि आपका पूरी आप देखिए टाइबीम डाली गई है, एक कॉलम डाला गया हुआ है, पूरा RCC का काम यहाँ पर किया गया हुआ है। अगर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेप्टिक टैंक के लिए यहाँ पे चैम्बर डाला गया हुआ है पानी को साफ करने के लिए। और आगे आपका यहाँ पे लॉन स्पेस आता है। अगर आप आएंगे और देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी ईंटा इस्तेमाल हो रहे हैं सब अव्वल ईंटा इस्तेमाल हो रहा है। और देखिए सारा मकान आपका कॉलम पिलर पर है, कहीं भी लोड जो है वो दीवारों पर नहीं है बल्कि जो भी लोड है वो सारे कॉलम और पिलर पर दिए गए हैं। तो इसके ऊपर भी आप 2 मंजिला मकान जब भी अगर आप बनाएंगे तो मकान कहीं भी हिलेगा नहीं। तो मकान की फाउंडेशन, मकान के अंदर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो भी आपका क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पूरी डामर रोड यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है मकान के आमने सामने, ये 30 फिट की रोड है। सामने अगर आपको जो लोकेशन दिख रही है वो आपकी एंट्री पॉइंट है अभी करंट लेवल पर, तो वहाँ पर ये मेन रोड से हार्डली 300 मीटर की डिस्टेंस है और ये भी आपकी मेन रोड है। वहाँ से जब आप अंदर इंटर करते हैं तो ये 30 फीट की पूरी रोड चली आ रही है। दोनों साइड आप देखेंगे इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हमारा जो लेफ़्ट साइड जो है जो वेस्ट फेसिंग है इसमें आप देखेंगे सारे फैमिलीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, सारी फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कैमरा देखेंगे तो कैमरे भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो गेट लगा हुआ है, गार्ड आपको यहाँ पर मिलेगा, कैमरे लगे हुए हैं, फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही है। आपको कोई डिश कनेक्शन चाहिए देखिए टाटा स्काई लगा हुआ है, एयरटेल लगा हुआ है, डिश टीवी होम लगे हुए हैं, इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, ब्रॉडबैंड फैसिलिटी चाहिए वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो भी एक बेसिक चीज़ चाहिए कि आपको घर पे रहना है, आपको ड्रेनेज चाहिए, आपको लाइट चाहिए, ट्रांसफार्मर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रोड बनी हुई चाहिए, तो वो सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी मेनटेन्ड है। और जहाँ पे हम खड़े हैं देखिए ये यहाँ का चौराहा आप बोल सकते हैं इसको, स्क्वायर है ये, तो यहाँ पे ये जो रोड है ये 40 फीट की रोड है। तो ये जो रोड आप देखिए ये रोड से इधर आप जा सकते हैं, इधर से भी आप जा सकते हैं, ये 30 फीट रोड सीधी जा रही है। पीछे भी आप देखेंगे तो देखिए पीछे भी तकरीबन 20 से 24 मकान पीछे हैंड ओवर हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप देखिए सारे फैमिलीज यहाँ पर रह रही है। और यहीं पर ही आप देखेंगे तो ये पार्क भी आपको दिख रहा है, तो ये सोसाइटी का पहला पार्क आपको यहाँ पे देखेंगे देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे तो ये लगभग आपको 8-8.5 हज़ार स्क्वायर फीट का ये पूरा पार्क है जिसको कि ऑलरेडी बाउंड्री करा दिया गया है और डेकोरेटेड है, सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और
अंदर आप देखेंगे तो फाउंटेन वगैरह का भी प्रोसेस यहाँ पे दिया गया हुआ है। शाम के वक्त आप यहाँ पे खेल मतलब यहाँ बैठ भी सकते हैं, बच्चे हैं तो यहाँ खेल कूद भी सकते हैं। तो इस तरीके से सोसाइटी को डेवलप किया गया हुआ है जहाँ पे कि शाम का वक्त है, रात का वक्त है, तो अगर आप खाना खाने के बाद वॉक करना चाहते हैं, मॉर्निंग में वॉक करना चाहते हैं, तो आपको सोसाइटी के बाहर नहीं निकलना। आप सोसाइटी के अंदर इतनी स्पेस दिया गया है, जो रोड डाली गई है, जो पार्क डाले गए हैं, जो फैसिलिटीज़ दी गई है सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से, कि आप यहाँ पे वॉकिंग करना है वॉक करिए, सुबह करिए, शाम करिए, बच्चे हैं खेल कूद सकते हैं। तो हर एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखा गया है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को यहाँ पर डेवलप किया गया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पीछे जो मकान है, ये इस मकान का पूरा एलिवेशन आता है, फ्रंट एलिवेशन अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये पूरा एक खूबसूरत और डिज़ाइनर एलिवेशन दिया गया हुआ है। तो पार्किंग जो है पूरी पूरी ये आपकी कवर्ड है, जो लॉन स्पेस है ये पूरा आपका कवर्ड है। और अगर आपको मकान को 3 BHK लेना है, तो जैसा कि आप इसके बगल का मकान देखेंगे तो ऊपर भी एक रूम और एक बाथरूम ऊपर भी बना करके आप हमसे ले सकते हैं। आपको 2 BHK 3 BHK करवाना है, क्योंकि मकान यहाँ पे प्लॉट से बुक होते हैं, तो हम आपके अनुसार मकान बना करके दे सकते हैं। नॉर्मली जो हम आपको मकान दिखा रहे हैं ये 2 BHK का मकान है, जिसमें 2 रूम 2 बाथरूम ड्राइंग रूम किचन आपको ग्राउंड लेवल पे बना करके दिया जाता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे जो गेट दिया गया हुआ है, पहली चीज़ तो आप देखिए गेट तो एक हैवी गेट दिया गया हुआ है, नॉर्मली लोग हल्का गेट दे देते हैं, बट यहाँ पर आपको गेट जब आप आएँगे आप देखेंगे इस चीज़ को कि एक हैवी और एक अच्छी हाइट का गेट दिया गया हुआ है। फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो बाहर के की जो वॉल है यहाँ पर टाइल्स लगा दिया गया है, ताकि बारिश वगैरह से दीवार नीचे की ख़राब ना हो, तो एक अच्छा डिज़ाइनर यहाँ पर टाइल्स भी लगाया गया है। सामने आप देखेंगे तो पेड़ पौधे लगाने के लिए भी स्पेस छोड़ दी जाती है, और ये पेड़ पौधे लगा करके कंपनी आपको दे रही है कि एक यहाँ पर ग्रीनरी को बहुत ध्यान दिया गया है, तो इस तरीके से सामने दे रही है। फ्रंट का एलिवेशन आपके सामने है, इस तरीके से ये 2 BHK का एलिवेशन आता है। अगर हम चलेंगे मकान के अंदर और देखें कि मकान अंदर से किस तरीके से बना है, तो यहाँ पे आपकी पहले तो ये रैंप आ जाती है, जहाँ की एक अच्छी हाइट दी गई है रोड से, ताकि फ्यूचर में जब रोड ऊंची हो तो मकान के अंदर कोई ऐसा असर ना पड़े। मकान अगर आप देखेंगे पूरा पोर्ट का स्पेस दिया गया हुआ है, और इधर साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर लॉन का स्पेस दिया है, ठीक है। तो ये लॉन के स्पेस में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पानी की फ़िटिंग्स भी दी गई है, कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई प्रोग्राम आप बाहर कर रहे हैं या गाड़ी धोना है आपको, तो यहाँ पे आपको चीज़ें एक डायरेक्ट लाइन और एक टंकी का पॉइंट यहाँ पर करके दिया गया है। और चूंकि दीवार ना ख़राब हो सीलन की वजह से, तो यहाँ पे आपको टाइल्स भी लगा दिया गया है, तो इतना स्पेस है। यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन भी अपनी रख सकते हैं, हल्को यहाँ पर आप अपने कपड़े सुखाने के लिए जो स्टैंड आते हैं वो भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से इस स्पेस को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये पॉइंट दिया गया है, ताकि आप वॉशिंग मशीन वगैरह अगर यहाँ पर भी लगाना चाहते हैं तो वो पॉइंट यहाँ पे दिया गया हुआ है, पॉइंट भी है और पानी का भी पॉइंट है। फ्रंट पे आपको विंडो मिल रही है, विंडो भी बड़ी साइज़ की है, कि एक अच्छा छोटी विंडो नहीं है, बड़ी स्पेस दिया गया, पल्ले मॉस्किटो नेट सब कुछ लगा करके यहाँ पर दिया जा रहा है। पोर्ट एरिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पोर्ट एरिया आप देखिए, तो यहाँ पर इन्वर्टर का पॉइंट डाल के दिया जा रहा है, तो आपको इन्वर्टर की पूरी वायरिंग कंप्लीट है, आप इन्वर्टर ला के यहाँ रखिए और अपना इन्वर्टर ऑन कर दीजिए सिंपली, और गैस सिलेंडर वगैरह जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो एक्स्ट्रा कोई वेस्टेज आपको रखना है, तो आप यहाँ पे उसको कवर करा करके रख सकते हैं। उसके अलावा भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ये MCB का पॉइंट दिया गया है, या बोरिंग का, हर मकान के अंदर यहाँ पर बोरिंग करके दी जा रही है, तो वरुणा कंपनी का देखेंगे तो ये सारे लगे हुए हैं, ये आपका बोरिंग का MCB आ गया। और इसके साथ साथ यहाँ पे मकान का ये है, जितने भी स्विच सॉकेट है देखेंगे सब एंकर कंपनी के यहाँ पे लगे हुए हैं, तो जो भी चीज़ें हैं सब ब्रांडेड कंपनी की चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, क्योंकि लोकल चीज़ें कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो चलिए हम चलते हैं मकान के अंदर। देखिए आप देखिए कि ये जो डोर दिया गया है, ये डबल दरवाजे लगा के दिए जा रहे हैं, जिसमें कि फ्रंट वाला जो है जिसके अंदर मॉस्किटो नेट लगा करके दिया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक डोर क्लोजर भी लगा करके दिया गया हुआ है, चाहे आप इस साइड से जो एंट्री आ रही है गेस्ट रूम से, उसमें भी मॉस्किटो नेट का डोर लगा के दिया गया है, और जो फ्रंट की एंट्री आ रही है जो लॉबी में जाती है, उसमें भी आपको ये डोर लगा करके दिया गया है।
और जो सीढ़ी से आप जब ऊपर जाएंगे तो ये पूरा स्टील की रेलिंग लगा कर दिया जा रहा है और मार्बल्स सीढ़ियों पे लगा करके दिए जा रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं मकान के अंदर। तो दोस्तों जब हम अपने यहाँ से इंटर करेंगे ड्राइंग रूम का देखेंगे, जैसे कि ये हमारा मॉस्किटो नेट वाला डोर है और ये जो डोर है ये आपका मेन डोर आ जाएगा, जो कि डिज़ाइनर डोर देखे दिया गया हुआ है, लेमिनेटेड डोर है ये। तो ये दो दरवाजे आपको ड्राइंग रूम की एंट्री से भी मिलेंगे और किचन की जो लॉबी की जो एंट्री वहाँ से ही मिलेंगे। जब आप अंदर इंटर करेंगे तो आपको ये जो पूरा स्पेस है ये ड्राइंग रूम का स्पेस मिलेगा यहाँ पे, जहाँ पर कि आप अच्छा एक अपना सोफे वगैरह लगा सकते हैं, कॉफ़ी टेबल लगा सकते हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप अपना LED के पैनल TV वगैरह लगा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे सारे स्विच ऑन सॉकेट लगा करके दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो स्विच सॉकेट है सब आपके RR कंपनी है या फिर हैवेल्स है या फिर आपके एंकर है, इन्हीं सबके ब्रांड लगा कर दिए जा रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे तो ये पूरी फॉल सीलिंग करके दिया जा रहा है ड्राइंग रूम स्पेस के अंदर, तो एक अच्छी डिज़ाइनर फॉल सीलिंग भी यहाँ पर आपको दिख रही है। इस तरीके से ये फॉल सीलिंग ड्राइंग रूम में करके मिल रही है। प्लस सामने जो विंडो आ रही है ये पूरी आप विंडो 6x6 की है। सामने आपको यहाँ पे सेफ्टी पर्पज़ से लोहे की ग्रिल लगा कर दिया गया है और यहाँ पे जो पल्ले लगे हैं मॉस्किटो नेट के साथ आपको दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी आपको करके दे रही है। MCB का अगर आप पॉइंट देखेंगे AC के लिए, तो यहाँ पर मिनी MCB यहाँ पर लगाया गया है जो कि आपका AC में आपको यूज़ कर सकते हैं। अब हम अगर ड्राइंग रूम से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है डाइनिंग का स्पेस या लॉबी का स्पेस आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, 4 सीटर 6 सीटर डाइनिंग टेबल स्पेस आ जाएगा और इसमें भी आपको यहाँ पे पूरी फॉल सीलिंग करके मिल रही है। तो ड्राइंग रूम के साथ साथ आपका लॉबी का स्पेस है यहाँ पर भी आपको फॉल सीलिंग करके दिया जा रहा है। इसके साथ यहाँ पर किचन आपको मिल रहा है इसे लगा हुआ कि यहाँ पे आपका किचन आएगा और यहीं पर ही आपकी डाइनिंग टेबल आ जाएगी और ये आपका जो लॉबी से जो एंट्री है वो डोर आपको दिखेगा कि ये डोर सेकेंड एंट्री आपकी रहेगी मकान के अंदर आने की। और यहाँ पर ही आपका ये पूरा मॉड्यूलर किचन बना करके दिया जा रहा है। मॉड्यूलर किचन में आप देखेंगे तो जो पत्थर है ये सब ब्लैक ग्रेनाइट लगाया गया है और एक अच्छी क्वालिटी का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। आप देखिए ये सब जो स्टील की सारी सिंक जितनी बास्केट है ये सब स्टील की लगी हुई है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। ये सब आपको प्लेट्स वगैरह रखने के लिए रैक्स लगाए गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए ये सारे बास्केट्स वगैरह कंपनी आपको छुरी चम्मच अलग अलग रखने हैं उसके लिए ये पूरा सेट है, यहाँ पे आप अलग अलग रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ बड़े सामान रखने हैं, आटे दाल चावल के डिब्बे रखने हैं, तो वो भी आप इसके अंदर इस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। और इधर आपका सिंक का स्पेस दिया गया हुआ है, तो बड़ी और हैवी सिंक यहाँ पर इस्तेमाल करके दिया गया हुआ है। ये आपका डायरेक्ट पानी का लाइन है जो कि आपका बोरिंग का आ रहा है और ये आपका टंकी का लाइन है। ये सब फिटिंग्स आपकी जैगवार कंपनी की एस्को ब्रांड की सारी फिटिंग यहाँ पे दिया जा रहा है। RO लगाने के लिए भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरी फिटिंग करके दिया जा रहा है, यहाँ पर कि आपको RO सिर्फ लाना है और इंस्टॉल कर देना है। इसकी पूरी फिटिंग प्लम्बिंग की करके दिया गया हुआ है। ये जो ऊपर बॉक्स दिए गए हैं ये सब सारे बॉक्स आपके मसाले वगैरह जो रखने हैं आप ऊपर रख सकते हैं, क्रॉकरी के सामान रखने हैं उसके लिए ये सारे स्पेस रखे गए हैं। जो किचन का जो माइका का जो कलर है ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है कि आपको अगर जो भी शेड में चाहिए वो शेड में आप यहाँ पे किचन को ले सकते हैं। और ये पूरी 2 फुट की टाइल्स आ रही है। टाइल्स के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो स्विच ऑन सॉकेट दिया गया एक्स्ट्रा मिक्सर है, ओवन है, अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इधर भी एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया हुआ है कि अगर आपको इधर लगाना है या अगर आपको यहाँ पर चिमनी लगानी है, चिमनी का भी देखिए यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया गया ऊपर, जो चिमनी का पैप बाहर जाता है उसके लिए भी पैप ओपन कर दिया गया है और यहाँ पर आप उसको स्विच सॉकेट को यूज़ कर सकते हैं। किचन के अंदर भी अगर आपको फ़ैन लगाने हैं तो भी आप फ़ैन लगा सकते हैं फॉल सीलिंग पे। आप देखेंगे वो पॉइंट भी दिया गया हुआ है कि आप फ़ैन वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब किचन के स्पेस से जैसे मैंने दिखाया आपको कि ये लॉबी का स्पेस है और इसके साथ साथ ये 2 बेडरूम आ जाते हैं यहाँ पर मिल रहे हैं। और डोर के ऊपर आप अगर आप देखेंगे तो ये वेंटिलेशन के पर्पज़ से ऊपर आपको वेंटिलेटर कम डोर दिया गया है। तो ये पूरा 9 फुट तक ये पूरा डोर डाला गया हुआ है जिसमें कि 7 फुट का आपको डोर मिल रहा है और प्लस आपको यहाँ पे वेंटिलेशन पर्पज़ से भी ऊपर पल्ले वगैरह लगा करके दिए गए हैं।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कोई गेस्ट वगैरह आया है तो अगर उसको यूज़ करना है तो वॉश बेसिन यहाँ पे दिया गया है, जो कि अगेन जो वॉश बेसिन है ये सब वर्मोरा कंपनी का ब्रांड यूज़ किया गया है, और जो टैप वगैरह ये सब एस्को ब्रांड का दिया गया है, और पूरा वॉल पर टाइल्स लगाया गया हुआ है ताकि सीलन वगैरह से या पानी के छींटे से दीवार ना ख़राब हो। इसके ऊपर आपको OTS का स्पेस है ताकि बाथरूम का देखे बाथरूम का जो स्मेल के लिए यहाँ पे दिया गया हुआ है, इसमें मॉस्किटो नेट लगा दिया गया है, माँ की बाथरूम की जो स्मेल है वो भी OTS से बाहर निकल जाएगी, और घर की जो गर्मी है वो भी इधर से अब बाहर निकल सकती है। ये देखिए ये बाथरूम है, कॉमन बाथरूम आएगा, इसके अंदर वाइट कलर का शेड में पूरी टाइल्स लगाई गई है, और जितनी फिटिंग्स वगैरह है ये सब जैगवार कंपनी सब इसको ब्रांड इस्तेमाल करी गई है। इतने शावर हैं, टैप हैं, ये सब आपका जैगवार कंपनी का इस्तेमाल वो करके मिल रहा है, जिसमें कि आपको एक डायरेक्ट लाइन पानी की मिल रही है, और ये आप और ठंडे गर्म का गीजर का पॉइंट भी मिल रहा है। जितनी फिटिंग्स है बाथरूम सैनिटरी की ये सब वर्मोरा कंपनी की आपको दिख रही है यहाँ पर, ये वर्मोरा कंपनी के सारे ये डिज़ाइनर आपको सीट मिल रही है। ये वन पीस सीट आपको दिया जा रहा है, नॉर्मली टू पीस होती है, बट ये वन पीस सीट आपको दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये पहला बेडरूम आएगा, जो कि अगर आप इसकी साइज़ देखेंगे तो एक बड़ा स्पेस दिया गया हुआ है, जहाँ पर कि अगर आप एक बेड भी डाल देंगे, उसके बाद अगर कोई वार्डरोब भी बनाते हैं, एक अगर आप अपना अलमीरा वगैरह भी लगाते हैं तो भी उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेस बचती है रूम के अंदर। अगेन अगर आप देखेंगे तो जो छत पे हम POP की डिज़ाइन करके दे रहे हैं, ये POP डिज़ाइन में आपको मिल रहा है, और फ्रंट वॉल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे TV वगैरह लगाने के लिए स्विच और सॉकेट का यहाँ पे प्रोविज़न करके दिया गया हुआ है, जहाँ पे कि अपना LED वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका AC लगाने के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिनी MCB एंकर कंपनी का लगा करके दिया गया हुआ है, और इधर से ये पीछे OTS का भी जाने का यहाँ पे डोर दिया गया हुआ है। डोर के साथ साथ यहाँ पे एक छोटी विंडो भी डाली गई है मॉस्किटो नेट के साथ, ताकि आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, और ऊपर भी आपको वेंटिलेटर डाल करके दिया जा रहा है। ये सब विंडो आप देख रहे हैं तो आगे ग्लास लगा हुआ है, और रूम साइड में आपका मॉस्किटो नेट लगा करके दिया जा रहा है। देखिए ये OTS का स्पेस है, जिसकी एंट्री दोनों साइड से है, दोनों बेडरूम से है, इस बेडरूम से भी आएगी और इस बेडरूम से भी आएगी। ये जो स्पेस है यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगेन, यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट का पॉइंट और एक टैप का पॉइंट दिया जा रहा है। यहाँ पे वर्मोरा की एक बड़ी वॉश बेसिन देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे दिया गया है, और इसको ब्रांड का यहाँ पे सारे सैनिटरी का इस्तेमाल किया गया है। पूरी वॉल पे आपको टाइल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरा टाइल्स को कवर करके दिया जा रहा है। और ये जो स्पेस है ये बाथरूम का स्पेस है, जो कि आप दोनों बेडरूम से यूटिलाइज कर सकते हैं। इस चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको रूम के साथ अटैच चाहिए तो भी आप इस बाथरूम को रूम के साथ अटैच भी करा सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप इस बाथरूम में जाएंगे देखेंगे तो इसके अंदर भी जो टाइल्स लगाई गई है बहुत ही डिज़ाइनर टाइल्स लगाई गई है, और जिनका ये मकान उन्होंने दोनों ही बाथरूम में वेस्टर्न सीट का ऑप्शन लिया है। चीज़ें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करानी है चीज़ें, तो अगर वो उसी कॉस्ट में आती है तो वो करके दे दिया जाता है, और अगर कोई डिफरेंस अमाउंट आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक दोनों ही वेस्टर्न चाहिए तो जो एक्स्ट्रा जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो आप पे कर देते हैं, तो वो चीज़ आपको करके आपके अकॉर्डिंग आपको हैंडओवर कर दी जाती है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो पूरा OTS को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है, कि ये रूम का भी जो वेंटिलेशन काम करेगा, इस बाथरूम का भी वेंटिलेशन काम करेगा, और इस बेडरूम का भी वेंटिलेशन में ये काम आएगा। तो इतना स्पेस है यहाँ पर प्रॉपर, जिसमें कि आपको OTS में आपका जो क्रॉस वेंटिलेशन होता है पूरे मकान का वो आपको प्रॉपर यहाँ पे मिलेगा। अगर हम जैसे कि आप ये इस डोर से हम आए थे उस वाले रूम से OTS के अंदर, अब अगर हम इस रूम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इस OTS में आने का इस रूम से भी रास्ता है। तो यहाँ इसमें भी जो बेडरूम है, इस बेडरूम में भी आपको एक बड़ी स्पेस दिया गया हुआ है, और यहाँ पर कि आप एक बेड के साथ अगर आप अलमीरा भी लगाते हैं तो भी आपको प्रॉपर स्पेस यहाँ पर मिल रहा है। फॉल सीलिंग अगर आप देखेंगे मकान के अंदर तो ऊपर POP करके दिया जा रहा है, पंखे ये पॉइंट हेड करके दिए गए हुए हैं, और यहाँ पे डोर के साथ साथ वेंटिलेशन पर्पज़ से वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे चीज़ें आप देखेंगे तो आगे ग्लास है, और अंदर से आपको मॉस्किटो नेट वगैरह लगा करके दिया जाता है। अगेन इसके अंदर आप देखेंगे तो अगर आपको यहाँ पर TV पैनल वगैरह लगाने हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको स्विच सॉकेट वगैरह सब कंप्लीट करके दिया गया हुआ है। और यहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे तो सीधा हम अपने जो लॉबी का स्पेस है यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा
रूम को डिज़ाइन किया गया है, जिसके अंदर आपको फ्रंट पे ड्राइंग रूम, फिर किचन और लॉबी, और बैक साइड में आपको दो रूम और दो बाथरूम और एक बाथरूम का स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि ये मकान अंदर से किस तरीके से बना हुआ है, कि क्या डिज़ाइनिंग है, सारी चीज़ें हैं, सोसाइटी को की चीज़ें भी आपने देखी कि किस तरीके से है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो मकान है ये आपके बजट में आ रहा है, तो आप जल्द से जल्द विज़िट को प्लान करें, क्योंकि लिमिटेड मकान यहाँ पे बचा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जिसकी कि स्लैब पड़ चुकी है, 1100 स्क्वायर फीट का मकान है, वो आपको पड़ेगा मात्र 45,10,000 रुपये का, और 6 महीने के अंदर मकान आपको बना करके हैंडओवर हो जाएगा। तो अगर आप जल्द से जल्द मकान चाहते हैं तो विज़िट आपको थोड़ा जल्दी प्लान करनी पड़ेगी। और अगर आप चीज़ यहाँ पर पसंद आती है तो कोशिश करिए कि उसको आप टोकन करके यूनिट को होल्ड कर लीजिए, क्योंकि सेमी फिनिश मकान जल्दी मिलता नहीं है, और क्योंकि जो मकान हम प्लॉट्स बुक करेंगे वो मकान आपको 12 महीने के अंदर बन के मिलता है। तो प्लस पॉइंट आपके साथ ये है कि इन दो मकान के अंदर की मकान की अवेलेबिलिटी आपको टाइम पीरियड कम लगेगा। लोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोस्टली LIC से भी लोन है, और मोस्टली सारे बैंक से भी हम कोशिश करते हैं लोन के लिए, तो यहाँ पे लोन की कोई दिक्कत नहीं है, लोन भी आपका यहाँ पे इजीली हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर कर लें, और मिलते हैं बहुत जल्द हम अपने आपके साथ इसी साइट पे या फिर स्क्रॉल करते हुए किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।